स्टूडेंट आज अब न्यूमेरिकल करें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। तो न्यूमेरिकल नंबर मैं सॉल्व कर रहा हूं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी और ये ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के में। ये स्ट्रेट लाइन में लेंगे। नेक्स्ट एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। एक ब्लॉक है, ये जाके इसके साथ स्टिक करता है, चिपक जाता है, तो स्टिक कर रहे हैं इस तरह। ठीक, टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी रेस्ट जीरो ब्लॉक की। नेक्स्ट ऑफ मास 5 केजी, इस ब्लॉक का मास 5 केजी। देन दे मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जब ये इसे स्टिक करता है उसके बाद ये उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर जाते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंफाइन। इसमें देखिए ये स्टेटमेंट है, एक ऑब्जेक्ट था, ये चल के आता है, इस ब्लॉक के साथ हिट करता है, चिपक जाता है। चिपकते ही ये दोनों इकट्ठे चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी को हिट किया, वो गाड़ी उस गाड़ी को लेके जाती, तो इस तरह है कुछ किए। अब आपको ये डाटा दिया हुआ, आपको ये कैलकुलेट करना ये दोनों किस वेलोसिटी से चल रहे हैं। क्या करो, इसको M1 सपोज कर दो, इसको U1 सपोज कर दो, इसको M2, इसको U2, क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो 1 और 2 लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है M1 V1 प्लस M2 V2। अब टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, इसको आप कंबाइंड वेलोसिटी बोलते हैं। कंबाइंड वेलोसिटी से चल, सॉल्व करते हैं। M1 1 U1 10, M2 5 U2 0। इसको आप ऐसे कर दीजिए M1 V प्लस M2 V, सॉल्व करते हैं। यहां 10 प्लस 0, M1 प्लस M2 आ जाएगा, V को मान दे दीजिए 10, M1 है 1 M2 है 5, सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 6 वी आ गया, तो 2 3 2 5 है, तो 5 बाय 3 1, 3 1 3 2 आ गए 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, तो 1.66 मीटर पर सेकंड आ गया। तो कंबाइंड वेलोसिटी आई 1.66 मीटर पर सेकंड। अब और पूछ रहा बिफोर कोलिजन मोमेंटम, बिफोर कोलिजन ये रहा 10, आफ्टर कोलिजन भी 10 होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल। तो बिफोर कोलिजन अगर मोमेंटम पूछे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का यूनिट है। आफ्टर कोलिजन भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आएगा ये भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 15 के बाद 16 करते हैं। 16 देखिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 16। 16 की स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली।
देखो जस्ट मास 100 kg, 100 kg का है, इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 5 to 8, ये कहता है 5 m/s से चल रहा है, एक्सेलरेट कर जाता है। एक्सेलरेट कब करेगा, जब आप फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाते ही एक्सेलरेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, इंक्रीज होके फाइनल वेलोसिटी होगी 8। और ये हमारे पास 6 सेकंड के अंदर, ये सारा प्रोसेस हुआ 6 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपको निकालना इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फोर्स निकालना। तो देखिए कैसे हम निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम पर, या इनिशियल मोमेंटम होता मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी एम इनटू यू, सॉल्व कर दो यानी 100 इनटू 5 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम एम इनटू वी 8 इनटू 100 हो जाए 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। फाइनल कितना है 800, इनिशियल कितना है 500, टाइम कितना है 6, तो 300 बाय 6, 6 5 0 लग जाएगा 50 N आ जाएगा। तो पहले आप हिम्मत दीजिए, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। एक और है, इसी का क्वेश्चन नंबर है 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये भी कुछ इसी तरह का है जैसे आपने भी कंबाइंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg, एक ऑब्जेक्ट है 1.5 kg, कहता है इस तरह के दो ऑब्जेक्ट, ये भी 1.5 kg, उसके बाद मूविंग इन ए सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है ये इधर। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 m/s, इसकी वेलोसिटी है 2.5 m/s से चल रहा है, ये भी 2.5 m/s से चल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, ये बात बिफोर कोलिजन की है, टकराने से पहले ये जाके इससे टकराता है, कोलाइड करता है एंड स्टिक टुगेदर। जब भी इससे टकराता है तो क्या होता है, ये इसके साथ जाके स्टिक कर जाएगा, तो हमारे पास ये स्टिक टुगेदर, टकराने के बाद दोनों ब्लॉक स्टिक कर गए, यानी ये M1 और M2 स्टिक कर गए हैं, एक ही वेलोसिटी से चलना शुरू कर देंगे, आपको ये कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है। क्या करो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 ले लीजिए, इसकी ले लीजिए U2, आपको V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1। अब बड़ा सिंपल है, M1 U1 plus M2 U2 M1 V plus M2 V, फॉर्मूला होगा M1 plus M2 into V हो जाएगा M1 U1 plus M2 U2, M1 1.5 U1 2.5। अब ये प्लस नहीं हो रही, क्या लेंगे माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, M2 1.5 U2 -2.5 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है।
एम वन प्लस एम टू इंटू वी। ये देखो दोनों सेम है, 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 एम वन प्लस एम टू इंटू वी। एम वन है 1.5 प्लस 1.5 इंटू वी, ये दोनों सेम है तो सेम में सेम क्वांटिटी जाएगी जीरो हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू 3v, 3 जाके डिवाइड कर दो तो 0/3v, 0/3 क्या होता है जीरो। यानी दो कार हैं सेम मास के सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो अगर वो हिट करेंगी तो दोनों जो है टकराने के बाद वहीं रुक जाएंगी, रेस्ट पे आ जाएंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 11।